हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट बोलने का टाइम आने वाला है अभी, क्योंकि अपने आजकल अपने लास्ट वाले ब्लॉग के एंडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, है ना, आज सबसे पहला काम जो मुझे करना है रात को, वो भी अभी 11 बजने वाली है ऑलमोस्ट। और क्या, रात के बर्तन हो रहे हैं तो धोने, क्योंकि कल भी काम वाली आंटी नहीं आने वाली है हमारी गाइस, क्योंकि बोटिंग वगैरह का भी है सीन और यहाँ पे बैरियर भी लग रहे हैं बहुत सारे हमारे एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं। तो बस अभी बर्तन धोता हूँ, मैं आपको फ्री होकर मिलता हूँ। 1 hour later। तो गाइस, फाइनली बर्तन वगैरह धो के फ्री हो चुका हूँ। यहाँ पे भी दर्द होने लग गया पैरों के साथ साथ, जब आपको बताया मैंने कल की पैरों में दर्द हो रहा है वो चीज़, अब है ना कंधों में होने लग गई। लेकिन गाइस, है ना, अब आपको एक एडवाइस करता हूँ मैं कि गाइस, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमें गाइस उनके ऐसे छोटी मोटी कामों में हेल्प करते रहनी चाहिए। और बस मेरे को इतना ही बोलना था अभी, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, तो आपको कल सुबह मिलता हूँ, गुड नाइट। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इतनी सुबह में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बाहर रेडी हो गए हो भी। तो गाइस, सीन ऐसा है कि है ना, मेरे पापा जी मम्मी को क्या है वोट डालने जाना है, और उस वक्त कहीं है ना मेरे पापा को आउट ऑफ कोटा कहीं पर जाना है आज। और प्रॉब्लम ये आ रही है गाइस कि है ना, वहाँ पर क्या लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लग जाती है, तो पापा जी मम्मी जी ने क्या मेरे को भेजा है कि है ना मैं लाइन में लग जाऊँ पहले, और जैसे वो आएंगे तो एक्सचेंज कर लें वहाँ अपनी जगह। वैसे मैं वोट दे नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं अभी उस एज में नहीं आया हूँ और वोट आई डी कार्ड भी नहीं है मेरे पास। तो चलते हैं, लगते हैं लाइन में पेरेंट्स के लिए, और अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, आप वहाँ पर पहुँच कर मिलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे पहुँचते हुए बहुत देर तक कंफ्यूजन में रहा कि ये वही जगह जहाँ पे वोट डलते हैं या फिर ये वोट नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस, यहाँ पे आते ही मैंने देखा कि जरा सी भी भीड़ नहीं दिख रही थी मुझे, बस चुनिंदा लोग दिख रहे थे जिनको मैं अपनी उंगलियों में भी गिन सकता हूँ, इतने कम लोग। तो मेरा मानने भी नहीं है कि यही जगह है ना कन्फर्म, क्योंकि पापा जी बोले तो बहुत भीड़ होने वाली है वहाँ पे। फाइनली पापा जी हमारी आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पे इस समय पापा जी हमारी को मिल गए थे उनके कुछ दोस्त जिनको पापा जी बहुत अच्छे से जानते थे शायद से। और यहाँ पे देखो गाइस, पापा जी अभी तक बातों में ही लगे हुए हैं, मोबाइल में उनके कॉल बहुत आते हैं। A few moments later। और गाइस, इस समय तक क्या मम्मा जी अंदर चली गई थी, लेकिन पापा जी अंदर नहीं आ रहे थे बिकॉज पापा जी बातें कर रहे थे मोबाइल में। इस चक्कर में मम्मा जी गुस्सा होकर दोबारा बाहर आए, पापा जी को लेके ही गई अंदर, नहीं तो शायद से पापा जी 1 घंटे तक तो बाहर ही रुक जाते हैं। और गाइस, ये तो बात हो गई मम्मा जी पापा जी की जो अंदर वोट डालने के लिए गए थे, और मैं यहाँ पे गाइस गर्मी में धूप में पसीने में थक गया था बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा। तो गाइस फाइनली वोट डाल के फ्री हो चुकी है मम्मा जी और पापा जी, और पापा जी यहीं से अपनी ट्रिप के लिए निकल चुके हैं बिजनेस की, और मम्मा जी मेरे साथ जा रही है। चलिए मम्मा जी। फाइनली घर में पहुंच चुके हैं, स्कूटी यहीं पे लगाई है, और अब चलते हैं। तो गाइस, अभी का सीन ऐसे कि फाइनली घर के अंदर तो आ चुके हैं, फिर मस्त गर्म गर्म दूध मम्मा जी ले रखी है, मैंने चाय बनने के लिए भी, साथ में पवन के लिए भी रख दिया है। पवन की आज छुट्टी है गाइस, क्योंकि वोटिंग करनी थी ना आज। और गाइस, है ना, अभी गाइस मैं करने लगा एडिटिंग अपनी कल वाली वीडियो की। रात को गए बहुत लेट हो गया था तो मैं सो गया था, तो अभी एडिटिंग करता हूँ, फिर आपको फ्री होकर मिलता हूँ। देखो फाइनली बच्चा उठ चुका है पवन, और गाइस उठते ही कर रहा है नानी को कॉल, और दिखा रहा है कि हाँ कि इसका गाइस बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए चॉकलेट्स मंगवाई है। ये मेरे बर्थडे की चॉकलेट, ये ऐसे हर चीज बता देता है नानी को। मैं नहीं बताऊंगा। अरे एक में 50 है और 3 में 150। वाह यार पवन, ये एक डब्बे में कोई यार देना, पहले छोड़ दे यार, बची तो चुका ना अभी तेरी क्लास में 59 तो बच्चे होंगे। 60 है, 56 अच्छा, 56 बच्चे। A few moments later। यहाँ पे आज भी काम वाली आंटी नहीं आने वाली हमारी, तो ये बच्चा हमारी मम्मी की हेल्प करने के लिए लगा रहा है झाड़ू, और मैं धो रहा हूँ बर्तन रोज की तरह। तो आपको थोड़ी देर में फ्री होके मिलता हूँ, पहुँच इधर देखना। गाइस फाइनली अब बर्तन वगैरह धो के फ्री हो चुका हूँ, फोन यहाँ पे टीवी देख रहा है। भाई सभी का सीन ऐसा है कि थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं खाना खाने लग रहा हूँ। खाने में दाल, आलू की सब्जी और रोटी, आपको सीधा खाना खा के फ्री होकर मिलता हूँ। A few moments later। अभी का सीन ऐसा है कि ना पवन ट्यूशन पढ़ के फ्री हो चुका है,
मैंने वीडियो नहीं बनाई थी गाइस इसकी आज। और अभी गाइस मेरा टाइम हो चुका है बैडमिंटन, बैडमिंटन तो नहीं है आज, वो कल से है, फुटबॉल खेलने आने का। खाने वाले खा के मैं फ्री हो चुका हूँ अभी, और निकलते हैं अब और आपके साथ वहीं पहुँच के मिलता हूँ। ये मेरे को जाने नहीं दे रहा। अरे चाबी देना यार। किस चीज की? एक्टिवा की। क्यों? और ये ले। क्यों? वो एक सरप्राइज होगा मैं अभी। नहीं मेरे को नहीं आना यार अभी, मेरे को स्कूटी से जाना है आज। नहीं ना, नहीं, नहीं स्कूटी से जाऊंगा मैं। साफ भी कर दूंगा अभी सीट। साफ ही है तो जा हट इससे जा। नहीं मेरे को बुलेट से जाना ही नहीं है जबरदस्ती। अरे यार नहीं, तू देखो जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो गाइस पवन के आगे मैं हार चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ इस बुलेट से। कि आज का मौसम सच्ची में बहुत ही ऑसम हो रहा है गाइस, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना बाहर, क्या बताऊँ। ये देखिए गाइस क्या कमाल का मौसम हो रहा है, तो प्यारी हवा चल रही है ना गाइस, क्या बताऊँ। बाकी अब गाइस मैं 3 तक गिनूँगा और आपके साथ वहीं पहुँच के मिलूँगा। 1, 2 एंड 3। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आज तो बहुत ही कम जन आया सच्ची में, शायद से इसलिए क्योंकि सुबह के बारिश भी हुई थी हल्की सी, मैंने बताया नहीं था लेकिन हुई थी थोड़ी सी देर के लिए, तो शायद से सबको लगा छुट्टी है या फिर देखते जो भी सीन है। फिलहाल आपको यहाँ से फ्री होके मिलता हूँ। अभी का सीन ऐसा है कि मैं फुटबॉल वगैरह खेल के फ्री हो चुका हूँ, बहुत मज़े आए सच्ची में, और आज मैं जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि घर पे मेरे को थोड़ा बहुत काम है और बहुत थक भी गया था। बाकी बस इतना ही बोलना था, अभी तो आपको सीधे घर पहुँच के मिलता हूँ। और बस आज के जने बहुत कम आए थे गाइस बारिश की वजह से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुका हूँ मैं अभी, और ये देखो है ना, ये देखो गाइस यहाँ पे साइकिल चला रहा है पवन। यार रैकेट लेके आजा, बैडमिंटन खेलेंगे आज। तेरे के लगाने में तूने खुद ने लगा लिया है ये, क्या गाइस की लटक गई थी पता नहीं किसने छेड़ी हुई गाइस, है ना। गार्डन गार्डन वैसे गार्डन आज छुट्टी में। वो सुनना पवन रुक तो सही। घर के अंदर एंटर हो चुका हूँ और अब जब नहाने तो आपको नहा धो के फ्री होकर मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं नहा धो के फ्री हो चुका हूँ। यहाँ पे मम्मा जी कर रही है खाने की तैयारी, आज मम्मा जी ने बनाया खाने है पुलाव। नहीं, अच्छा फ्राइड राइस है। और मैं गाइस खाने वाला हूँ आज ओट्स खाने में डिनर में। गाइस अभी मैं ओट्स बनाने लग रहा हूँ तो आपको ओट्स बना के फ्री होकर मिलता हूँ, क्योंकि 9 बजने वाली है गाइस। अब इतना लेट हो गया मैं आज नहाने में, इस वजह से गाइस और ज्यादा टाइम ना लग जाए, तो आपको ओट्स बना के फ्री होकर मिलता हूँ। गाइस अपना डिनर आ चुका है ओट्स और खाना खाते मैं देख रहा हूँ टीवी, तो आपको खाना खा के फ्री होकर मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइस अभी खाने वगैरह खा के फ्री हो चुका हूँ, जब मैं और पवन जा रहे हैं राउंड काटने के लिए, तो चलते हैं। ये देखो हमारे आते ही बिल्लियाँ भी आ गई। तो गाइस ये देखो पवन आ चुका है। यार पवन हल्की हल्की ठंड बढ़ गई ना, ठंड नहीं लग रही थी कल किसी भी मुझे तो लग रही है यार। तो जब देख सकते हैं पवन आगे चल रहा है बहुत तेज़ से, पता है क्यों? ये देखो पूरी तोड़ ली गई हमारे पीछे ही चल रही है, और कुछ पवन के साथ आगे निकल के लग रहा है। ये तो कुछ ज़्यादा ही पास आ गई, पीछे देखो अब भगवान तो कहीं भगने लग जाएंगे तो भग भी नहीं सकते। फाइनली गाइस राउंड लगा के घर पे आ चुके हैं। इसी के साथ मैं आज के लोग को यहीं पेन करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप सभी नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते थे नेक्स्ट लोग में कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।